Jai Hind everyone. So you all are welcome in our channel where we are on the series of RDC 2023 with All India Best Cadet, Cadet Avishi Sood from Carmel Convent School of NCC Naval Wing. So welcome Avishi. Jai Hind ma'am. Jai Hind. So Avishi, ye jo question aaj hum aapke samne laaye hain bahut important hai. और ये मेरे को लगता है सारे कैडेट्स बहुत बेसब्री से इस क्वेश्चन का इंतजार भी करते हैं. सो ये क्वेश्चन है कि फॉर बेस्ट कैडेट व्हाट इज द मोस्ट एसेंशियल थिंग्स टू फोकस ऑन. सो मैम, बेस्ट कैडेट जो कंपटीशन होता है, इस कंपटीशन के भी काफी सब पार्ट्स होते हैं, और जो फोर पार्ट्स में हाईलाइट करना चाहती हूँ वो है रिटन एग्जाम, ड्रिल, इंटरव्यू एंड ग्रुप डिस्कशंस और फायरिंग. तो आपको मेनली इन फोर पॉइंट्स पे जज किया जाता है. तो फर्स्ट, सबसे पहले आपका दिल्ली में जो टेस्ट होता है वो होता है रिटन टेस्ट. रिटन टेस्ट आता है आपका कॉमन सब्जेक्ट, सर्विस सब्जेक्ट और जनरल अवेयरनेस के मिक्सचर होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं जो एमसीक्यू फॉर्म्स में होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के फॉर्म्स में होते हैं. उसके बाद होती है ड्रिल. ड्रिल में होती है डीएससी, स्क्वाड ड्रिल एंड या आपको ड्रिल की प्रैक्टिस बहुत पहले से, जब से आप कैडेट हो तब से करनी पड़ती है, क्योंकि ड्रिल एक दिन में नहीं सीख सकता कोई भी. तो ड्रिल भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है. नेक्स्ट होता है आपका इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशंस. इंटरव्यू एंड ग्रुप डिस्कशंस एक स्केल होती है जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक कैडेट इवॉल्व करता है. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, द वे यू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूइंग ऑफिसर, द वे यू sit in the group discussions, your communication skills, and it also involves your body posture, your eye contact, your hand movements, gestures, etc. And the last most important thing is firing. Firing बहुत important होती है, क्योंकि आपको three positions में firing करनी होती है, and you have to try and try to score the maximum in firing, because firing और written exam एक ऐसी चीज है जिसमें score करना आपके हाथ में होता है. आप जितना अपनी तरफ से सही करेंगे उतने ज्यादा points आपको मिलेंगे. तो try करना चाहिए कि firing और written exam में आप अपना best दो और अच्छा करो, क्योंकि maximum marks आप यहीं से ला सकते. ओके, एक रिटन एग्जाम से रिलेटेड मेरे को डाउट आ रहा है, क्या उसमें हमारा नेगेटिव मार्किंग होती है? मैम, नेगेटिव मार्किंग का आई एम नॉट श्योर, बट एमसीक्यू फॉर्म्स में होता है ये. ओके, और जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आते हैं वो आपको क्या लगता है, क्या आप कैडेट्स को क्या बताना चाहोगे? वो 6 मंथ्स के होते हैं या पिछले सालों के होते हैं, वो किस तरह के अवेयरनेस के क्वेश्चंस होते हैं? मैम, जो करंट अफेयर्स होते हैं वो 6 मंथ्स टू 1 ईयर के आते हैं, और बाकी स्टैटिक जीके आती है. स्टैटिक जीके तो कहीं से भी कुछ भी आ सकती है, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है. वो थोड़ा आप डिटेल में बताओगे, स्टैटिक जीके का मतलब क्या होता है? मैम, स्टैटिक जीके होती है जैसे फैक्ट्स एंड फिगर्स. फॉर एग्जाम्पल, स्टैटिक जीके में आएंगे जैसे रिवर्स ऑफ इंडिया, किस रिवर पे कौन सा डैम है, और नेशनल फ्रूट, नेशनल फ्लावर, फर्स्ट पर्सन टू डू दिस, द फर्स्ट साइंटिस्ट टू गेट अ नोबेल प्राइज फ्रॉम इंडिया, और ऐसी ऐसी चीजें. तो आप ये बताना चाहोगे कैडेट्स को कि इस पर्टिकुलर स्टैटिक जीके के लिए ये प्रेपरेशन आपने पहले से शुरू कर दी थी, क्या जब आपको लग गया था कि मैं अब यूनिट लेवल पे सेलेक्ट हो गई हूँ, कोई बुक आपने ली थी, क्या प्रेपरेशन कैसे होते हैं ये बताइए. मैम, प्रेपरेशन तो जैसे करंट अफेयर्स की प्रेपरेशन तो डेली न्यूज़पेपर्स इनफ होते हैं पढ़ने के लिए, और एडिटोरियल भी इम्पोर्टेंट होता है, एडिटोरियल एंड आइडियाज पेज ऑफ न्यूज़पेपर्स. बाकी स्टैटिक जीके के लिए आपको बहुत सारी साइट्स आजकल इंटरनेट पे अवेलेबल हैं जो बिल्कुल प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन देते हैं अकॉर्डिंग टू द टॉपिक यू आर सर्चिंग फॉर. तो मैंने इसकी प्रिपरेशन करंट अफेयर्स में पढ़ती थी, और स्टैटिक जीके जैसे जैसे मुझे पता लगा कि आरडीसी है, आरडीसी कैंप होते हैं, तो फिर उसके हिसाब से मैंने धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दिया इंटरनेट से. ओके, सो मींस ये सारी प्रिपरेशन हमारी स्टार्टिंग हो जाती है अगर नवंबर में आपका सिलेक्शन हुआ है, तो यू हैव टू स्टार्ट द प्रिपरेशन फ्रॉम जुलाई ऑनवर्ड्स. या आपका अपना अगर इंटरेस्ट है, कुछ बच्चों का तो इंटरेस्ट भी होता है, वो पढ़ते ही रहते हैं, वो ऐसी स्टैटिक जीके अपनी रखते हैं अपडेट, क्योंकि वो इंटरेस्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है. ओके, सो ये थी आपकी बात रिगार्डिंग द रिटन टेस्ट. एक और बात आ रही है जो आपने फायरिंग से रिलेटेड बोला, क्योंकि फायरिंग सब बच्चों को करना पसंद तो होता है, वहां पे वो नंबर लाना वो बहुत मुश्किल होता है. तो कोई
आप सीक्रेट या कोई आप ऐसे पर्सनल पॉइंट या अपना पर्सनल सीक्रेट शेयर करना चाहते हैं जो फायरिंग से रिलेटेड कैडेट्स को याद रखना चाहिए? मैम, फायरिंग अगर पर्टिकुलरली करनी होती है तो फायरिंग रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड फोकस। ऐसे लगता है कि फायरिंग आप जाओगे, राइफल उठाओगे, आपने एम करा और मार्क्स आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। क्योंकि फायरिंग में यू नीड स्टेबिलिटी, फोकस, आपको अपनी ब्रीदिंग भी कंट्रोल करनी होती है, आपको पता होना चाहिए आपकी कैसी ब्रीदिंग जा रही है। तो उसके लिए जैसे मुझे मेरी पीआई स्टाफ ने इंस्ट्रक्ट करा था कि कैसे आपको अगर स्टेबिलिटी के लिए प्रैक्टिस करनी है तो आपको अपने हाथ में एक ब्रिक लेके उसको होल्ड करना होता है इन द पोजिशन यू आर ट्राइंग फॉर। अगर मैं लाइंग पोजिशन के लिए प्रैक्टिस कर रही हूँ तो लाइंग पोजिशन में राइफल की जगह ब्रेक रख के प्रैक्टिस करनी होती है और फोकस करना होता है कि वो ज्यादा मूव ना करे। और अगर फोकस और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ानी है तो उसके लिए तो मेडिटेशन बेस्ट है। और फायरिंग से पहले मेडिटेशन या कभी भी जब भी आपको शेड्यूल में टाइम मिलता है, मेडिटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि ये ना केवल आपकी फायरिंग में हेल्प करता है बट आपको ओवरऑल जो आपका शेड्यूल होता है उसमें काम और फोकस रहने में भी हेल्प करता है। आपका कहने का मतलब है कि ये जो टाइम आप निकालते थे कि ब्रिक लेके लाइन पोजीशन में या सिटिंग पोजीशन में या स्टैंडिंग पोजीशन में राइफल की जगह ब्रिक लेके खड़े होना है, तो आप ये टाइम कहाँ से निकालते थे? या फिर जैसे आपकी टर्न हो गई है उसके बाद प्रैक्टिस करते थे, या आपकी टर्न नहीं आई है उससे पहले करते थे, ये टाइम कब निकलता है? मैम, कभी कभार हम इसकी प्रैक्टिस रात को भी करते थे सोने से पहले, और बाकी टाइम पे जब हमारी फायरिंग के हमारे लेसन हुए थे और हमें सिखा रहे थे फायरिंग डायरेक्टरेट लेवल पे, तब हमारे पीआई स्टाफ हमें इनकरेज करते थे कि हम फायरिंग से पहले थोड़ी देर राइफल पकड़ के ही हम प्रैक्टिस करें और ईंट पकड़ के भी प्रैक्टिस करें, हमें तभी टाइम मिलता था थोड़ा थोड़ा। मैंने ये भी सुना है कि आपके अपनी कैडेट जर्नी में आपको एक ये भी पैटर्न सिखाया गया था कि जो सॉक्स होती हैं हमारी उसमें सैंड भर के उसको 1 kg के हिसाब से, तो घर में भी ये इस तरह का प्रिपरेशन किया जा सकता है, क्या वो आप बताएंगे हमें? मैम, वो प्रेपरेशन मोस्टली आपके जब आप ड्रिल में करते हैं तो हैंड स्विंग के लिए इम्पोर्टेंट होता है, कि जब आपको हैंड स्विंग अपना अच्छा करना होता है आप उसके लिए भी कर सकते हो, और बाकी फायरिंग में भी वो हेल्पफुल होता है। तो आप उसको पकड़ के अपनी स्विंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी फायरिंग की भी स्टेबिलिटी की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये ऐसी चीज है जो आप कहीं भी बना सकते हैं, एक ओल्ड सॉक्स लेके उसमें मिट्टी, पत्थर, पेबल्स कुछ भी भर के आप उसको बना सकते हैं, तो हैंडी गो टू वेट हो जाता है। जो कैडेट सोच रहे हैं कि हमें ईंट कहाँ से मिलेगी या ब्रिक कहाँ से लेके आएंगे, तो हम आपको उसको ऑल्टरनेट भी बता रहे हैं। आपके पास सॉक्स तो होती ही है, मिट्टी भी होती है, तो उसको भर को इसके थोड़ा सा स्ट्रेंथ इस तरह से बनाएं कि ताकि वो आपको वेट दे और आप उसको होल्ड करेंगे। अपने बोथ द आर्म से प्रैक्टिस करनी चाहिए तो आपकी हैंड की स्टेबिलिटी भी और मजबूत करता है, विच इज हेल्पफुल फॉर फायरिंग। तीसरी बात हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि इंटरव्यू राउंड के लिए, जो इंटरव्यू राउंड होता है उसके लिए किस तरह की प्रिपरेशन एक कैडेट को करनी चाहिए? मैम, इंटरव्यू राउंड के लिए सबसे पहले यू शुड बी वेरी थॉरो विद योर इंट्रोडक्शन, क्योंकि इंट्रोडक्शन ऐसी चीज होती है जो आपको आधी बात इंटरव्यूइंग ऑफिसर तक आपकी आधी बात पहुंचा देती है। और मोस्टली क्वेश्चंस जो इंटरव्यू के होते हैं, सब्सिक्वेंट क्वेश्चंस, वो आपकी इंट्रोडक्शन से ही आते हैं। तो आपकी जो इंट्रोडक्शन होती है शुड बी वेरी प्रिसाइज, टू द पॉइंट एंड वेरी क्लियर, नो एक्स्ट्रा ब्रैगिंग। और उसमें आपकी इंट्रोडक्शन में सारे पॉइंट्स लिस्टेड होने चाहिए, फ्रॉम योर नेम, योर फैमिली, स्कूल, टू योर क्वालिफिकेशन एंड अचीवमेंट्स। एंड सेकेंडली जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो दैट इज योर आई कॉन्टैक्ट विद द इंटरव्यूइंग ऑफिसर एंड योर कम्युनिकेशन स्किल्स। इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे आपसे ऑफिसर ने क्वेश्चन पूछा आप एकदम ही आंसर कर दो, समटाइम्स इट टेक्स टाइम टू असेंबल योर थॉट्स, तो यू कैन टेक फ्यू सेकेंड्स, अ बिट ऑफ टाइम टू असेंबल एंड अलाइन योर थॉट्स एंड देन स्पीक। So it is on you how you come up with your answers, like in that time or us point pe how confidently you speak. It does not matter whether you speak Hindi or English. It matters how you are able to, how properly you are able to convey your points to the officer. Okay. कभी आपको उस इंटरव्यू के टाइम पे ऐसा लगा हो कि आपने जो भी आंसर उनके सामने रखा है वो आपको लगा हो कि नहीं ये मैनिपुलेटिव था, या ये आपको दिमाग नहीं है, मैंने क्या बोल दिया, अब चेंज भी नहीं कर सकती, ऐसे थॉट्स कभी चले आपके पास? मैम, ये थॉट्स तब चलते हैं जब आप अपने आप को आप कुछ नॉन रियल प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। ये स्टार्टिंग स्टार्टिंग में जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे इंटरव्यू के लिए तब मेरे साथ होता था कि मैं जल्दी जल्दी आंसर करने के चक्कर में जो बोलना चाहती थी उसके उल्टा बोल देती थी। तो जैसे जैसे मैंने प्रैक्टिस करा तो मुझे पता चला कि कैसे अपने रियल थॉट्स आपको एकदम से असेंबल करने हैं और आपको रख देना है। जितना आप रियल रहोगे
उतना आपके लिए इजी रहेगा इंटरव्यू राउंड से गो थ्रू करना, क्योंकि जितना फेक आउट करोगे आप उसमें खुद ही फंसते जाओगे, क्योंकि अगर उससे नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपको नहीं पता उसका आंसर रिलेटेड टॉपिक से नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपको आंसर नहीं पता तो आप खुद ही फंस जाओगे, तो जितना आप रियल रहोगे इंटरव्यू में उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। एक और बात आती है अभिषी की, जब हम हमारा नंबर आने वाला होता है, हमें पता है कि नाउ आई विल बी द नेक्स्ट वन टू गो इनसाइड फॉर द इंटरव्यू राउंड, तो आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, बटरफ्लाई, ऐसा कुछ आपके साथ भी हुआ था? यू आर वेरी मच कॉन्फिडेंट। यस मैम, ऐसा होता था, क्योंकि जब आपको पता है कि ये ऐसा इंटरव्यू है जो आपका पूरा रिजल्ट डिसाइड करेगा, इसी उस पे आपका पूरा रिजल्ट डिपेंडेंट है, तो ऑब्वियसली टेंशन होती थी और कभी कभार घबरा भी जाते थे, बट फिर आपको पता है कि आपने इंटरव्यू देना है, आप इतनी प्रैक्टिस कर कर आए हो, तो थोड़ा एक डीप ब्रेथ लेके आराम से आंख बंद करके जस्ट बिफोर योर इंटरव्यू, जैसे आप एंटर करने लगे हो, जस्ट से ऑल द बेस्ट टू योरसेल्फ और सब कुछ अच्छा होता है। ओके देखा, ये सीक्रेट आपका हमने इतने अरे तरीके से आपसे बाहर निकलवाया कि देखिए जब भी आप कहीं जा रहे हैं तो जस्ट फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ, अपने आप को ऑल द बेस्ट कहूंगी। कितना बढ़िया सीक्रेट है जो अभिषी ने हमसे शेयर किया। अभिषी, उसके बाद जो नेक्स्ट राउंड आता है वो है डिबेट का, जैसे डिबेट भी बीच में एक राउंड, तो डिबेट के लिए आपको बहुत सारे लोग होते होंगे जिसमें आपको अपने आप को प्रूव करना है, तो आप कुछ ऐसी बातें बताइए कैडेट्स को कि कब और किस समय अपनी बात को रखना है, रेज करना है, या हमें हमेशा लड़ते रहना है, या हमें देखना है कि मैं अपने व्यू पॉइंट कैसे रखूं, वो थोड़ा सीक्रेट और शेयर करो कैडेट्स के साथ। मैम, ग्रुप डिस्कशंस और डिबेट्स में यही डिफरेंस होता है कि डिबेट में आपको किसी को रॉन्ग प्रूव करना होता है, बट ग्रुप डिस्कशंस में आप किसी को रॉन्ग नहीं प्रूव करते, बस आप एक टॉपिक पे डिस्कस करते हो। तो जब हम ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभार ऐसा होता है कि जो आपको टॉपिक मिला डिस्कशन के लिए आपको उसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती, या थोड़ी बहुत नॉलेज होती है टिट्स एंड बिट्स में, तो आपको उस टाइम पे जो बाकी लोग बोल रहे होते हैं आपको समझना होता है, आपको एब्जॉर्ब करना होता है कि वो क्या कह रहे हैं, उसके बाद वो एब्जॉर्ब करके अपने पॉइंट के साथ मिक्स करके आपको बहुत क्लेवरली प्रेजेंट करना होता है एट अ टाइम कि जहां लगे कि इंटरवेंशन भी हो रही है और कुछ गलत भी नहीं बोल रहे, एक तो ऐसे प्रेजेंट करना होता है, सेकेंडली और आप रूड नहीं हो सकते ग्रुप डिस्कशन में, आप किसी का सिर्फ पिन पॉइंट करके बोल नहीं सकते यू आर रॉन्ग, आपको अपना पॉइंट कन्विंसिंगली सामने रखना होता है, तो आपको बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि आपको इंटरवीन करके बोलना है, और बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि आपको पेशेंटली पहले सुनना है और वेट करनी है कि कब टाइम आएगा और इंटरवीन करना। तो थैंक यू सो मच अभिषी, हम इसी पोर्शन को कि आरडीसी की प्रिपरेशन को अपने नेक्स्ट सीरीज में लेके आएंगे और वहां पे कुछ और बातें डिटेल में आपसे शेयर करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट सीरीज द जर्नी ऑफ आरडीसी 2023।